अच्छा बाकी लोग का 2 को क्लास से कुछ अच्छा चलो, आपने रिपीट किया, क्लास फोर रिपीट किया आपने? रिपीट तो कोई नहीं करते हो ना आप लोग आजकल? मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज किया रिपीट तो नहीं कर रहा, कोई नहीं कर रहा, नहीं कर रहे हो ना? आप जो एक क्लास हुआ करेगी ना, मैं उसमें ये रिपीट ही करवाया करूंगा बैठ करके। नहीं कर रहे हो ना रिपीट? देखो ना नहीं बोलते हुए कितना हेजिटेशन हो रहा है, जान नहीं करते हो ना? सर नो नहीं करते हो? नहीं जान तो नहीं करता। हाँ अनिरुद्ध भी नहीं करता? अनिरुद्ध नहीं करते हो ना? यस सर। यस या नो? नहीं सर नहीं करते। नहीं करते ना बेटा, ऐसे एक बार करने से नहीं होता। अगर एक बार करने से होता, एक बार बताओ तो मैं आपको क्यों बोलता रिपीट करने के लिए? अब से करेंगे, आज से रूल बनाओ, क्लास वर्क रिपीट होगा ठीक है, डेट डालो, डेट डालो, डेट डाल के पेज दिखाओ मुझे। यस सर। आज से हर बच्चा रिपीट करेगा, कम करो, मतलब जितना भी काम होता है वो करना है आपको। क्लास के बाद जब जैसे ही क्लास खत्म होगी, आप यहाँ पर डेट डालो और हर पेज पे आपको डेट डालनी है ठीक है। और आप यहाँ पर डेट डालेंगे, आज डेट क्या है, इस तरफ डालेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में डेट डालेंगे आप, राइट में नहीं डालेंगे। आज डेट क्या है? 25th जून। 25th यहाँ डालनी है आपने, लेफ्ट हैंड साइड पे 25th, 25th जून है ना ये, और ये हर पेज पे डालनी है और लेफ्ट साइड में ही डालनी है ठीक है। और जो क्लास रिपीट करेंगे, क्लास रिपीट क्लास वर्क रिपीट करेंगे, उस पे आप राइट हैंड साइड में डेट डालेंगे ठीक है। जैसे आज ही रिपीट करते हो आप शाम को, तो यहाँ पर डालेंगे ठीक है। और अब जैसे क्लास ओवर होगी, आप मुझे ये हर पेज पे अपनी डेट दिखाएंगे राइट, और जो होमवर्क करके मुझे भेजेंगे तो उस पे राइट हैंड साइड पे डेट होगी। मैंने एक सेपरेट नोटबुक बनाया रिपीट कर, सेपरेट नोटबुक है तो फिर नोटबुक ऐसी होनी चाहिए, एक लाइन वाली होनी चाहिए, एक बिना लाइन वाली होनी चाहिए। असल में प्लेन वाला, प्लेन वाला है। तो आप क्लास वर्क किसमें करोगे? आप लाइन वाले में क्लास वर्क किसमें? ये रिपीट वाला, कोई दिक्कत नहीं, आप क्लास वर्क उसमें करो, होमवर्क प्लेन वाले में करो ठीक है। और आज से हर कोई मुझे काम दिखाएगा। Yes. अच्छा कहाँ थे बच्चों हम जरा? 11th question complete किया था हमने, 11th question complete कर लिया था। हाँ ठीक है, 11th complete हो गया था हमारा, 12th करते हैं। फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, इस क्वेश्चन को हम थोड़ी देर बाद करेंगे, पहले 13th क्वेश्चन करते हैं। 13th क्वेश्चन में कहता है टू नंबर हुज सम इज 24, दो नंबर है जिनका सम क्या है 24 है ठीक है बच्चों। लेट द टू नंबर बी एक्स एंड वाई, लेट टू नंबर बी, नंबर बी या तो एक्स एंड वाई ले लो, एक्स एंड वाई दो नंबर हमारे क्या है, एक्स एंड वाई है। तो x प्लस वाई फिर किसके इक्वल होना चाहिए बच्चों? 24 के इक्वल होना चाहिए। हाँ x प्लस वाई 24 के इक्वल होना चाहिए। अब ये कहता है कि देयर प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल, उनका प्रोडक्ट लार्जेस्ट होना चाहिए। प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट का मीनिंग क्या है? मल्टीप्लीकेशन एक्स वाई। तो कहते हैं कि प्रोडक्ट उनका लार्जेस्ट होना चाहिए। लेट पी बी द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, पी क्या है, बी द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। पी है नंबर्स का प्रोडक्ट, तो पी क्या होगा बच्चों, एक्स इंटू वाई। पी क्या होगा? 12 होगा शायद से, 12 होगा बेटा ये, ठीक है आपने पता लगा लिया, बट हमारे लिए इसका कोई मतलब क्या कहूं मैं आपको, कोई बेनिफिशियल नहीं है हमारे लिए। तो उसका रीजन मैं बताता हूँ आपको,
हमें ये एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमम मिनिमा की हेल्प से करना है, ठीक है ना, तो उसका हमें कोई बेनिफिट नहीं होगा। लेट बी द प्रोडक्ट ऑफ, और हमारा पेपर भी सब्जेक्टिव है ना। ये सेम क्वेश्चन 8th ग्रेड में आता था, लीनियर इक्वेशन इन वन, ऐसे बी द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। पी क्या है? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स है। पी इज इक्वल टू, बच्चों हमें क्या करना है, पी को क्वेश्चन में बोला था कि प्रोडक्ट लार्जेस्ट होना चाहिए, मैक्सिमम लार्जेस्ट होना चाहिए, प्रोडक्ट मैक्सिमम होना चाहिए। तो प्रोडक्ट को मैक्सिमम होने के लिए, प्रोडक्ट को हमें मैक्सिमम करना है, मल्टीप्लिकेशन को मैक्सिमम करना है। मैक्सिमम कब होता है, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, अगर बच्चों सेकेंड डेरिवेटिव किसी क्वान्टिटी का ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो आता है तो वो क्वान्टिटी क्या है, मैक्सिमम। और अगर किसी क्वांटिटी का सेकंड डेरिवेटिव लेस देन जीरो आता है तो वो क्वांटिटी क्या है, मिनिमम। ठीक है, समझे आप? ये प्रोडक्ट इज एज लार्ज, लेस देन का साइन दोनों में सेम लगा है। एज लार्ज एज पॉसिबल, तो साइन दोनों में सेम लगाते हैं। अच्छा सॉरी, ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल, सो प्रोडक्ट इज इक्वल टू 24, सॉरी प्रोडक्ट क्या होगा इनका, एक्स वाई। अब देखो बच्चों हमें सेकंड डेरिवेटिव करना है। अब यहाँ पर पी के अंदर दो टर्म है एक्स और वाई, हम डेरिवेटिव करेंगे। डेरिवेटिव करने से पहले आपको एक वेरिएबल में बनाना है इसको, प्रोडक्ट को आपको एक वेरिएबल में रखना है, चाहे एक्स में रखें या वाई में रखें। और अगर आपको ऐसा रखना है तो वाई को यहाँ से जैसे रिप्लेस करना होगा या एक्स को रिप्लेस करना होगा, उसके लिए क्या किया जाता है, जैसे वाई को रिप्लेस करना है, वाई को रिप्लेस करना है तो वाई इसकी हेल्प से, ये हमें गिवन था कि एक्स प्लस वाई 24 है, गिवन की हेल्प से यहाँ से आपको वाई की वैल्यू फाइंड करनी होगी और उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा 24 माइनस एक्स। अभी हमारा सिंगल वेरिएबल में है, इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। पी हमारा हो गया 24x माइनस एक्स स्क्वायर, पी हमारा क्या हो गया 24x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो डीपी बाई डीएक्स, डीपी, अब ये देखो सिंगल वेरिएबल एक्स में आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो, इसका डेरिवेटिव होगा डीपी बाई डीएक्स, तो डीपी बाई डीएक्स क्या होगा 24x का डेरिवेटिव, ये हो गया 24 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, डेरिवेटिव ऑफ x इज 2x, dp by dx हमारे पास आ गया 24 माइनस 2x, ठीक है। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, हम फर्स्ट डेरिवेटिव को रखते हैं 0 के इक्वल, और ये हम बिगनिंग से ही करते आ रहे हैं, पूरी एक्सरसाइज में हमने ये किया है। और मैक्सिमा और मिनिमा हमने फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या रख दिया, 0 के इक्वल, तो यहाँ से क्या आ गया 24 माइनस 2x इज इक्वल टू 0 एंड दैट गिव्स x इज इक्वल टू 12, राइट। जब x 12 आ जाता है तो आपको इसको सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट करना है, क्योंकि 12 पे होगा, जो भी होगा 12 पे होगा, x इज इक्वल टू 12 पे होगा, या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा। क्या मैक्सिमा मिनिमा होगा, प्रोडक्ट, p का डेरिवेटिव कर रहे हैं हम, एक्स ट्वेल्व होगा तो p या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, बट हमें अभी ये नहीं पता क्या होगा, दोनों में से क्या होगा, मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, बट ये पता है कि कुछ तो होगा 12 पे, या तो मैक्सिमा या मिनिमा, बट दोनों में से क्या होगा ये नहीं पता, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी टू पी, डी टू पी अपॉन डी एक्स टू, डी टू पी अपॉन माइनस टू होगा, तो ये आ गया माइनस टू, माइनस टू आ गया, लेस देन जीरो आ गया, देयरफोर सेकेंड डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आ जाता है तो क्या होता है, पी इज मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू 12, प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा कहाँ पर, मैक्सिमम होगा 12 पे, प्रोडक्ट अगर 12 पे मैक्सिमम है, प्रोडक्ट अगर 12 पे मैक्सिमम है तो y क्या होगा फिर, y कितना था देखो जरा, ऊपर हमने सिंप्लीफाई किया 12 भी होगा, 24 माइनस x था, तो y कितना हो गया 24 माइनस 12, दैट इज ऑल्सो 12। सो प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा, जब दोनों नंबर हमारे
ट्वेल्व ट्वेल्व होंगे, ठीक है, ऐसे लिखना है आपको। समझ आया? दिवेश की क्लास तो 12 बजे तक थी, आया क्यों नहीं? सर वो क्लास में है। हाँ अभी आया है, ठीक है, ये आप कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देवेश 14 क्वेश्चन रीड करो। देखो सर एक सेकंड, मैं खोल दे बुक तो। पेज नंबर 233। देखो बच्चों रीड करो अपना क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है। फाइंड टू पॉजिटिव नंबर एक्स एंड वाई। आपको दो पॉजिटिव नंबर फाइंड करने हैं एक्स एंड वाई, सच दैट एक्स प्लस वाई 60। आपको दो पॉजिटिव नंबर फाइंड करने हैं, उनका सम कितना दिया हुआ है 60। फाइंड टू पॉजिटिव नंबर एक्स एंड वाई सच दैट एक्स प्लस वाई 60 एंड एक्स वाई क्यूब इज मैक्सिमम। एंड एक्स वाई क्यूब क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। आपको दो नंबर फाइंड करने हैं एक्स एंड वाई, वो ऐसे नंबर हैं कि एक्स प्लस वाई क्या होगा 60 होगा, और अगर x इंटू वाई क्यूब किया जाए तो ये मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। इन दो कंडीशंस के अंडर में आपको x y की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो बच्चों एक तो आपको गिवन है कि x प्लस वाई 60 है, x प्लस वाई क्या है 60 है, एंड x y क्यूब। दिवेश थोड़ा लैपटॉप झुकाओ आपका बस, हाँ, और ये अगर बाहर बाहर नहीं बैठे हो तो ये ब्लर मत लगाया आपको बच्चों। पीछे कहाँ बैठे हो, रूम में बैठे? अच्छा, हो बाहर? हाँ रूम में हो सर, रूम में। आधी बार तो उसमें फोटो ही नहीं दिखाई देती, आधी बार ऐसा काला काला आया होता है जैसे भूत उधर। अब ठीक है सर। हाँ ऐसा लगता है उधर कोई भूत बैठा है, आधा फेस आ रहा है आधा नहीं आ रहा है। देखो जरा एक्स प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 60 एंड एक्स वाई क्यूब इज मैक्सिमम, ठीक है। देखो एक्स वाई क्यूब मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है बच्चों। हमें देखो इस डेरिवेटिव मैक्सिमम मिनिमा के कॉन्सेप्ट में हम क्या कर रहे हैं, जिस टर्म को मैक्सिमम प्रूव करना होता है या मिनिमम प्रूव करना होता है हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं। जिस टर्म को मैक्सिमम या मिनिमम प्रूव करना होता है हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं ना। तो अब हमें एक्स, अच्छा, और जब उसका डेरिवेटिव किसी भी टर्म का अगर सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है यानी कि वो मिनिमम है, अगर किसी टर्म का सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आता है तो वो क्या है मैक्सिमम, राइट। अगर सेकंड टर्म पॉजिटिव आता है तो क्या होता है, मैक्सिमम मिनिमम, एंड सेकंड डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आता है तो क्या होता है मिनिमम, ठीक है। नेगेटिव पे मैक्सिमम, पॉजिटिव पे मिनिमम, ठीक है। यहां पर मैक्स और यहां पर मिनिमम, ठीक है। अच्छा अब हमें इसको मैक्सिमम प्रूव करना है, एक्स वाई क्यूब को मैक्सिमम प्रूव करना है, तो एक्स वाई क्यूब का जो सेकंड डेरिवेटिव है वो क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। इसको कुछ अज्यूम कर लेते हैं, मान लो ये पी है, पी क्या है एक्स वाई क्यूब, तो पी को आपको मैक्सिमम प्रूव करना है, राइट। पी को मैक्सिमम प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, पी को डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने से पहले देवेश मैंने अभी अभी पिछले क्वेश्चन में बताया, जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये एक वेरिएबल में होना चाहिए, या तो यहाँ अकेला एक्स होना चाहिए या वाई की टर्म होनी चाहिए। अभी हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल को हम यहाँ से एलिमिनेट करेंगे। इसको एलिमिनेट करने के लिए हम यहाँ से, अच्छा, या तो आप यहाँ एक्स की वैल्यू डाल लीजिए, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 60 माइनस वाई इंटू वाई क्यूब, या फिर यहाँ पर आप एक्स वाई की वैल्यू निकालिए तो x y की वैल्यू क्या हो जाएगी 60 माइनस एक्स होल्स का क्यूब, ये होगा। ये दोनों में से कुछ होगा, कुछ भी कर सकते हैं आप, या तो ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं,
बट बच्चों सिंपल क्या होता है, सिंपल होता है जिसकी लोअर पावर है, जिसकी लोअर पावर है उसको रिप्लेस कीजिए आप, जिसकी लोअर पावर है उसको रिप्लेस कीजिए, वो सिंपल होता है। ठीक है, तो लोअर पावर तो x की है, हम x को रिप्लेस कर दें तो p क्या हो जाएगा, 60 माइनस y इंटू वाई क्यूब। पी क्या बन गया हमारा, 60 वाई क्यूब माइनस वाई फोर। ठीक है, चलो करो इसका डेरिवेटिव, क्या आ गया इसका डेरिवेटिव, सो 180 वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई क्यूब, 180 वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई क्यूब, एक मिनट कुछ गलत कर दिया, 180 वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई क्यूब, ये हमारा डेरिवेटिव आया, 180 वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई क्यूब, ये हमारा डेरिवेटिव। ठीक है बच्चों, इसे कंफ्यूजन है सर, इसके लिए हम x प्लस वाई 60 भी ले सकते हैं x y क्यूब की जगह डेरिवेटिव के लिए। बेटा एक वेरिएबल में रखना है इसको, एक से ज्यादा वेरिएबल अच्छा, में नहीं रखना। अच्छा, एक्स वाई तो यहाँ होना ही नहीं चाहिए, अगर एक्स वाई ही रहेगा तो फिर तो ओरिजिनल पोजीशन ही होगी, इसमें भी एक्स वाई है, फिर तो इसी को डिफरेंशिएट कर देते हैं हम, एक वेरिएबल हो सकता है ये। ठीक है, ठीक है सर, इसके लिए हमने dp by dx को जीरो पुट कर दिया, और मैक्सिमा और मिनिमा हम क्या करते हैं, dp by dx को जीरो पुट कर देते हैं, तो यहाँ से हमारा आ गया 180 y square minus 4 y cube is equal to zero, यहाँ से 4 कॉमन ले लीजिए, y square कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, तो जीरो होगा, जीरो होगा। एक मिनट बेटा, ये आएगा आइदर दिस जीरो और सेकेंड टर्म जीरो, फोर वाई स्केयर इज इक्वल टू जीरो और 45 माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो, तो फर्स्ट से तो आ गया वाई इज इक्वल टू जीरो, बट वाई कांट बी जीरो, वाई जीरो नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता मैं बताऊंगा, तो वाई क्या हो गया 45 हो गया, वाई क्या हो गया 45, वाई जीरो नहीं हो सकता, वाई 40 तो फिर वाई 45 होगा, y जीरो क्यों नहीं हो सकता, जीरो पे तो बच्चों एक टर्म अगर जीरो हो गई तो दूसरी क्या होगी 60, और प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा जीरो, तो जीरो पे मैक्सिमम कैसे हो सकता है, जीरो पे तो मैक्सिमम हो ही नहीं सकता, जीरो को इग्नोर करो, y जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, तो y हमने लिया 45, एक मिनट दो बस, y 45 हो गया तो x हो जाएगा 15, x क्या हो जाएगा 15, क्यों हो जाएगा x 15, क्योंकि x प्लस वाई 60 है, तो x 15 हो गया। ठीक है, हाँ निरुक्त बताओ, अगर हमने x का वैल्यू जीरो है और हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव आया तो कैसे मैक्सिमम कैसे हो सकता है, दो मिनट बाद देता हूँ बेटा आपका आंसर। ठीक है, यहां तक समझ आ गया, देखो जरा y इज इक्वल टू 45 एंड y इज इक्वल टू 15, ये आ गया हमारा, अब सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमा के लिए सेकंड डेरिवेटिव निकलेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव dp by dy क्या आया था बताओ जरा, 180 y स्क्वायर माइनस 4 y क्यूब, 180 y स्क्वायर माइनस 4 y क्यूब, सेकंड डेरिवेटिव निकालो d2y by dy2, y2 करो यहाँ, dy2, d2y by dy2, ये हो गया 360y minus 12y square, 360y minus 12y square, अब इसमें से 12 कॉमन ले लें, y भी कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 30 minus y, और y की वैल्यू हम पीछे क्या निकाल के आए हैं, 45, तो ये हो जाएगा 12 into 45 इंटू माइनस 15 हो जाएगा, वाई 45 रखोगे तो हो गया ना ये नेगेटिव, और हमने ये डी टू वाई बाई डी एक्स टू कहाँ पर निकाला है, एट वाई इज इक्वल टू 45 पे, ठीक है, नेगेटिव हो गया, देयरफॉर डी टू पी बाई डी
देयरफॉर पी इज मैक्सिमम, पी इज मैक्सिमम व्हेन वाई इज इक्वल टू 45 एंड एक्स इज इक्वल टू 15। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन है? नो सर। बाकी दोनों बच्चों को? नहीं सर। सर नो। ठीक है, अब अनिरुद्ध जैसे कह रहा था कि y अगर y डी टू पी बाई डी वाई टू एट अगर x y इज इक्वल टू जीरो निकालते हैं तो देखो बच्चों ये क्या आ जाता है, 360 y माइनस 12 इंटू जीरो, मतलब जीरो डाल दिया, जीरो जीरो आएगा ना, जब सेकंड डेरिवेटिव जीरो आ जाता है तो ये डिसाइड नहीं होता है कि मैक्सिमा है या मिनिमा। एक तो यहाँ से सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव आया ही, तो हम कोई कंक्लूजन नहीं ले सकते कि यह मैक्सिमा और मिनिमम होगा कि नहीं होगा। जब सेकंड डेरिवेटिव जीरो आ जाता है तो उसके लिए फर्दर इन्वेस्टिगेशन होता है, वो करना पड़ता है। अगर वो आप करोगे तो आप भी उस रिजल्ट पे पहुंच जाओगे कि जीरो पे मैक्सिमम नहीं है, एक बात। बट क्योंकि वो हमारे कोर्स में नहीं है, वो हायर क्लासेस में होता है, जो बच्चे बीटेक करते हैं और मैथ लेते हैं उनके आता है वो। ठीक है, तो उसमें ये आएगा कि जीरो आ जाए सेकंड डेरिवेटिव तो कैसे डिसाइड करते हैं। तो एक तो सेकंड डेरिवेटिव यहाँ पर हमारा जीरो आ गया तो हम यहाँ से डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरी बात प्रैक्टिकली देखें तो जीरो आएगा भी, मतलब जीरो पे मैक्सिमम होगा भी नहीं भाई, उससे ज़्यादा प्रोडक्ट तो हमारा 15 और 45 पे ही हो रहा है, प्रोडक्ट इनका बड़ा आएगा ना, जीरो और 60 लेंगे तो जीरो आएगा, तो जीरो से तो ये बड़ा आ ही रहा है। ठीक है, और वैसे भी आपको यहाँ से कन्फ्यूजन होगी ही नहीं, आपको कन्फ्यूजन तब होती जब ये जीरो पे नेगेटिव आ जाता, जीरो पे क्या आ जाता, नेगेटिव, तब तो आप सोचते कि सेकेंड डेरिवेटिव जीरो पे नेगेटिव आ गया तो ये भी तो मैक्सिमम होगा, बट ऐसा केस तो आपके पास आया ही नहीं, तो आपको इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, मैं वो पूछ रहा था, अगर दो वैल्यूज हैं y के एंड दोनों वैल्यूज में नेगेटिव आया तब क्या करें, वो पूछ रहा। तो उन दोनों पे ही मैक्सिमम या मिनिमम हो सकता है। मिनिमम कैसे होगा क्योंकि नेगेटिव में तो मैक्सिमम होता है बेटा, जैसे मान लो y 12 आया था, ठीक है ना, y की दो वैल्यू आ जाए, जैसे y 12 और 18 आ जाए, मान लो 30-40 का कोई एग्जांपल ले लेते हैं, y 12 और 18 आ गया और x हमारा आ जाता है, y को 12 लेते तो x 18 आ जाता है, इसको ये लेते तो x 12 आ जाता है, तो प्रोडक्ट दोनों केसेस में सेम रहेगा ना, तो ऐसा केस आ सकता है, बट हमारे क्वेश्चन में ऐसा कोई केस नहीं है। ओके सर, ठीक है। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन करके दिखाएंगे आप लोग मुझे। 15 क्वेश्चन में क्या है, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर एक्स एंड वाई, आपको दो पॉजिटिव नंबर फाइंड करने हैं एक्स एंड वाई। ठीक है, देयर सम इज 35, एक्स प्लस वाई आपको गिवन है 35 एंड प्रोडक्ट इज एक्स स्क्वेयर वाई फाइव। प्रोडक्ट क्या है, एक्स स्क्वेयर वाई फाइव, ये प्रोडक्ट मैक्सिमम होना चाहिए, x प्लस वाई 35 है एंड प्रोडक्ट एक्स स्क्वेयर वाई फाइव क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए बच्चों, मैक्सिमम होना चाहिए, यानी कि हमें क्या प्रूव करना है कि p का सेकेंड डेरिवेटिव डी टू पी अपॉन डी वाई टू या डी एक्स टू, जो भी हम निकालते हैं डी वाई पी टू या फिर डी एक्स टू, क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, हमें एक्स वाई की, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है एंड साथ में हमें प्रूव करना है कि सेकेंड उन वैल्यूज के लिए सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव है, राइट, इसका सेकेंड डेरिवेटिव पी का, तभी प्रोडक्ट क्या होगा, मिन मैक्सिमम होगा। ठीक है, इसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, पी को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, पी को डिफरेंशिएट करने से पहले पी में वेरिएबल्स को रिप्लेस करना पड़ेगा। बच्चों मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, रिप्लेस आप एक्स को भी कर सकते हो वाई को भी कर सकते हो, बट उसको करना जिसकी पावर स्मॉलर हो, लार्जर पावर को करोगे तो आपके लिए क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा कंपैरेटिवली, राइट। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर की पावर स्मॉलर है तो आप वाई को
एक्स की वैल्यू क्या निकाल लो यहां से, एक्स की वैल्यू आ गया आपकी 35 माइनस वाई, का होल स्क्वायर इंटू वाई फाइव, ये आ गया। यहां से डीपी अपॉन डीवाई फाइंड करो, तो डीपी अपॉन डीवाई प्रोडक्ट टू लगाओ बच्चों इस पे, डेरिवेटिव आ गया बच्चों आपका, नहीं आया तो जो मैंने किया आप वो देख सकते हो। जैसे इसमें देखो y की दो वैल्यू आ गई 25 एंड 35, आपकी आई क्या? तीन वैल्यूज है, 0, 35 एंड 25। बच्चों 0 और 35 दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे, वाई ना 0 हो सकता ना 35 हो सकता, क्योंकि अगर वाई 0 होगा, वाई मैंने पिछले क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था, वाई 0 नहीं हो सकता, वाई 35 भी नहीं हो सकता, क्योंकि वाई के 35 होने से एक्स 0 हो जाएगा, राइट? तो बात तो वही होगी, वाई 0 हो चाहे एक्स 0, ठीक है, y के 35 लेने से x 0 हो जाएगा, हम x को भी 0 नहीं कर सकते, राइट? ओनली पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या बचती है कि y इज इक्वल टू 25 ओनली, y इज इक्वल टू 25 ओनली, ठीक है, समझ आया सबको? अब हम सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे, और सेकेंड डेरिवेटिव अगर हम करेंगे तो हमारा बहुत बड़ा हो जाएगा, तीन के ऊपर प्रोडक्ट लगाना तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको दो में कन्वर्ट करते हैं, पहले डी पी वाई डी वाई, इस वाई फोर को अंदर मल्टीप्लाई कर दो,
35 y4 माइनस y5 इंटू 175 माइनस 7y। अब दो ब्रैकेट बन गए, इस पे प्रोडक्ट रूल लगा दो। हो गया क्वेश्चन। सब म्यूटेड हो। हाँ दिखाओ, कौन दिखा रहा पहले? तो मैंने गलती से y की जगह x लिख दिया था, थोड़ा ऊपर करो। अच्छा आगे का क्वेश्चन तुमने x में कर दिया। हाँ वो गलती से वो आगे तो जाता है, तो इसलिए x में कर दिया। बट एंडिंग में मैंने ठीक कर दिया। तुमने ब्रैकेट खोल दिए हैं, फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो एक मिनट, तुमने सम को ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं कर दिया? इजी था, वो वाला समझ में आ रहा था। मेरे ख्याल में ये तो ज्यादा मुश्किल है, इसके फैक्टर बनना, फैक्टर ही नहीं मिलेंगे। मेरा बच गया। ऐसे करते हुए प्रोडक्ट रूल ज्यादा आसान नहीं था, प्रोडक्ट रूल लगाना मुझे वो समझ में आया, उसके फैक्टर ही नहीं मिलेंगे तुम्हें। और अगर तुम्हारे पास एक बात बताओ, यहाँ पर भी 4 पावर आ जाती, तुम क्या करते? 35 माइनस वाई की पावर 4 इंटू वाई की पावर 6 ये आ जाता, तो क्या करते फिर? क्या करते निरो? तब तो ऐसे करना चाहता। निरो जब मैं चीज सिखा रहा हूँ उसके पीछे बड़े सारे लॉजिक होते हैं, है?
बहुत सालों के एक्सपीरियंस के बाद ये चीजें निकल के आती हैं कि क्या करना चाहिए, है ना। अब जो मैंने तुम्हें यस बताया था कि छोटी पावर वाले को रिप्लेस करना चाहिए, वो क्यों बताया था मेरे यहाँ पर? अगर तुम यहाँ पर बड़ी पावर वाले पे लगा देते, यहाँ पर बड़ी पावर वाले पे लगा देते तो तुम्हें थोड़ा क्यों लगाना पड़ता, जो लंबा हो जाता। छोटी पावर वाले पे लगाने से ये क्या हुआ कि सीधा मल्टीप्लाई हो गया, अंदर छोटा सा बन गया है। जो चीज बताता हूँ उस पर ध्यान दिया करो। देखो दो बातें हैं, लगभग लगभग मुझे पढ़ाते 20 साल हो गए, 19 2004 तब शुरू किया था, 2004 में 22 हो गए, 18 साल।